क्या इंडिया अलायंस का खेल खत्म हो चुका है? क्या अलायंस का अलाइनमेंट बिगड़ गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी विरोध में बना विपक्षी दलों का जो गठबंधन है यानी इंडी गठबंधन पूरी तरीके से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। कई राज्यों में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाने के कारण गठबंधन की कई पार्टियां अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा अब तक कर चुकी है। गठबंधन के सबसे अहम दो दल तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पहले ही एकला चलो की रणनीति अपना चुके हैं। पंजाब में केजरीवाल अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर ममता भी बंगाल में एक भी सीट कांग्रेस को देने के मूड में नहीं है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी गठबंधन का साथ छोड़ दिया। थोड़ी देर पहले फारूख अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि वो लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। यही नहीं, फारूख अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया है। उन्होंने एनडीए में जाने का संकेत देते हुए कहा कि अगर पीएम मोदी या फिर गृह मंत्री बुलाएंगे तो उनसे कौन नहीं बात करना चाहेगा। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। बंटवारे से पहले जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीटें थीं। बंटवारे के बाद जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें हो गई हैं और लद्दाख में 2 सीटें हैं। फारूक के स्टेटमेंट से विपक्षी खेमे में बेचैनी पैदा हो गई है। विपक्ष एकजुट होकर के एनडीए को चुनौती देने की कोशिश में है। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख बदलना विपक्ष की रणनीति पर सवाल खड़े करता है। देखिए क्या कुछ सवाल है इससे जुड़े हुए, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग पाला बदल रहे हैं तो कुछ लोग दामन छोड़ रहे हैं इंडिया अलायंस का। ऐसे में सवाल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान से इंडी को कितना बड़ा झटका लगा? क्या इंडी गठबंधन छोड़ एनडीए से जुड़ेंगे फारूख अब्दुल्ला? टीएमसी और आप अब एनसी में नहीं दिया साथ, तो ऐसे में कांग्रेस रह जाएगी क्या खाली हाथ? ये कुछ अहम सवाल है क्योंकि अब चुनाव और नजदीक आते जा रहे हैं। ऐसे में ये सवाल और गहराते जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद और कोई सवाल नहीं पूछेगा इसके बारे में। राहुल गांधी की न्याय यात्रा नहीं, बाय बाय यात्रा बन चुकी है, क्योंकि आज और अभी एक खबर आई है कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐलान किया है कि वो भी बाहर चले जाएंगे इंडी अलायंस के और वो अकेले ही लड़ेंगे चुनाव, अपने बलबूते पर लड़ेंगे चुनाव। मतलब सोचिए, जब से राहुल जी की न्याय यात्रा शुरू हुई है उससे पहले ही, पहले मायावती जी ने बाय बाय बोल दिया, फिर मिलिंद जी ने बाय बाय बोल दिया, ममता बैनर्जी ने बंगाल से बाय बाय बोल दिया, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बाय बाय बोल दिया, कल हमने देखा है कि कैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी एक सीट ऑफर करके छोड़ दिया है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ सीटें देकर छोड़ दिया गया है, महाराष्ट्र में भी संजय बनाम संजय चल रहा है, केरला में भी लेफ्ट जो कह रहा है कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ दे, और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है बाय बाय। तो देखिए, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी का भी जो टूट है वो इंडी गठबंधन से साफ नज़र आ रहा है, लेकिन अलग अलग मुद्दे हैं जिस पर ये जो तमाम सियासी पार्टियां हैं वो सियासत करती हुई नज़र आ रही है। फारूक अब्दुल्ला का ये जो स्टेटमेंट है कि प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री अगर बुलाएंगे तो कौन नहीं जाएगा, ये जाहिर है साफ तौर पर यही संकेत दे रहा है कि अब एक बार फिर से टूट इंडी गठबंधन में देखने को मिलने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका साबित हो सकता है। एक एक करके जितने भी सहयोगी दल थे वो इंडी गठबंधन से टूट रहे हैं। ऐसे में चुनाव के लिए वक्त बहुत कम है, अलग रणनीति पर पहले चर्चा हुई होगी। ऐसे में कांग्रेस खुद को कैसे संभालेगी? विपक्षी पार्टी है सबसे बड़ी इस वक्त कांग्रेस, और ऐसे में आप और टीएमसी के बाद जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट है और इसके बाद रणनीति कैसे बनाएगी कांग्रेस, एक अहम सवाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान से इंडी को बहुत बड़ा झटका लगा है, और क्या इंडी गठबंधन एनडीए से जुड़े फारूक अब्दुल्ला को छोड़ देगा? हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, देखिए सवाल बहुत क्लियर है, दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, कि अब कांग्रेस की तरफ से क्या होगा? अब तक क्या हुआ ये हम सब देख रहे हैं, और हर एक व्यक्ति तक ये बात पहुंच चुकी है कि जिसका डर था वही होगा। ये शुरुआत हुई कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन बनेगा, उसके बाद सीट शेयरिंग को लेकर के, और ये फॉर्मूला जब तय नहीं हो पाया तो जाहिर है लोग तो सोचेंगे ही कि चलिए अब अलग अलग रास्ता अपनाते हैं। बिल्कुल, और 2024 के चुनाव सिर पर हैं, और उस बीच में एक और झटका
इंडिया गठबंधन को, और शायद अब झटका कहें या फिर जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि जो राहुल गांधी की यात्रा है उसको भी शॉर्ट कर दिया गया है, क्योंकि तय नहीं हो पा रहा बिना राहुल गांधी की प्रेजेंस के कि किसको टिकट देनी है किसको नहीं। तो जो सीट शेयरिंग एक प्रायोरिटी होनी चाहिए थी वो प्रायोरिटी नहीं दिखी, फिर नीतीश कुमार के जाने के बाद, आरएलडी के जाने के बाद, और अब एनसी जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, अब ये समझते हैं कि इससे क्या नुकसान क्या फ़ायदा। देखिए 2024 के चुनाव के साथ, यानी कि संसदीय चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, और अब फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वो लोकसभा का चुनाव अलग से लड़ेंगे। अब इसको किस तरीके से देखा जाए, पहला किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर में जब पार्षद के चुनाव, तमाम तरीके के चुनाव और डेवलपमेंट और विकास और तमाम चीज़ों पर इतना फोकस कर रही है, तो जाहिर तौर पे वो चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी है उसको नतीजे अच्छे मिले। साथ में जिस तरीके से पहले ये माना गया था कि पीडीपी और एनसी गठबंधन हिस्सा होंगे इंडिया गठबंधन का, एनसी मना कर चुकी है और ये संकेत भी दे चुकी है कि अगर गृहमंत्री बात करेंगे तो हम भी उनसे बातचीत कर लेंगे, संकेत ये है एनडीए के साथ जाना। और आप देखिए अब एक के बाद एक के बाद एक, पहले महाराष्ट्र पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ने अपने जिस तरीके से चीज़ें हुई भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हुई या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत हुई, बिहार आप देखिए नीतीश कुमार आ गए, अब जम्मू कश्मीर भी इक्वली इम्पॉर्टेंट राज्य है जहां पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, ऐसे में आप देखिए कि कैसे फारूक अब्दुल्ला और उससे पहले जब बात हो रही थी कि किस तरीके से कांग्रेस के जो सीनियर नेता थे जो एलओपी भी रह चुके हैं राज्यसभा में वो भी छोड़कर चले गए थे, तो ये तमाम संकेत ये नजर आ रहे हैं कि एक और चुनौती इंडिया गठबंधन के सामने और कहीं ना कहीं एक और फेदर इन द कैप भारतीय जनता पार्टी के फेवर में यहाँ पर नजर आ रहा है।